गांव मंगोली जाटान में जोहड़ पर अवैध कब्जे होने में गंदे पानी की लोगों के घरों से निकासी न होने पर जहां भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और ग्रामीणों में अवैध कब्जों के विरोध में वे पानी की निकासी न होने को लेकर रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीण रमेश साहब सिंह, गुरुदेव, मुकेश, बलिंदर, बुधराज, इंद्रजहां व अन्य अनेक ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि जोहड़ के क्षेत्र में अवैध कब्जे होने में जोहड़ में फैली गंदगी के कारण गांव के पानी की निकासी न होने के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जोहड़ का गंदा पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है जिससे गांव में बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीणों द्वारा इस समस्या के हल करवाने के लिए सरपंच के माध्यम से शिकायत भी की गई थी, लेकिन अब ग्राम पंचायत द्वारा कोई समस्या का हल नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि जोहड़ के क्षेत्र में से अवैध कब्जों को हटवाया जाए और जोहड़ की सफाई व खुदाई करवाई जाए। गांव के बीच स्थित इस जोहड़ में गांव का गंदा पानी एकत्रित होता है, लेकिन जोहड़ पर अवैध कब्जे होने व जोहड़ की सफाई न होने के कारण जोहड़ में के ओवरफ्लो होने से अक्सर ही गंदा पानी गाँव की नालियों में गलियों में फैल जाता है। उन्होंने बताया कि अब पिछले कई दिनों से जोहड़ का गंदा पानी गलियों में जमा है, इससे जहाँ लोगों को आवागमन में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, वहीं इससे दुर्गंध फैलने के कारण बीमारियों का भय भी पनपने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि जोहड़ पर अवैध कब्जे हटवाने में गंदे पानी की निकासी को लेकर गांव में पंचायत हुई थी, जिसमें जोहड़ की सफाई करवाने में जोहड़ की खुदाई करवाने की भी मांग ग्रामीणों ने रखी थी। ग्रामीणों ने कहा कि जोहड़ पर अवैध कब्जों को हटवाने व पानी की निकासी का उचित प्रबंध करवाने को लेकर सीएम विंडो पर भी शिकायत डाली है ताकि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके। इस बारे में सरपंच गुरदीप सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि इस बारे में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से बात की गई है और उन्हें कहा गया है, उन्होंने बताया है कि जोहड़ के क्षेत्र में ग्रामीणों ने अवैध कब्जा किया हुआ है और इन अवैध कब्जों को हटवाया जाए ताकि ग्रामीणों के घरों की पानी की निकासी हो सके और जोहड़ की सफाई व खुदाई भी करवाई जाए। इस बारे में खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें सूचना मिली है और उन्होंने तुरंत ग्राम सचिव को मौका देखने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा कि किसी भी ग्रामीण को जोहड़ के क्षेत्र में अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा और अगर कोई ग्रामीण अवैध कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही जोहड़ की मनरेगा योजना के तहत सफाई व खुदाई भी करवाई जाएगी। पानी खड़ा गिरने नोरी जमी जोड़ी का पानी काट गया जमी और जोड़ी की खुदाई करवाओ जितनी जल्दी हो सका जी। धर्मपाई कब्जा टाओ जोड़ी पसारी बा जोड़ी का पानी कारण अधिक सारी हां जोड़ी का पानी कब्जा कर दिए काम जमी बैठी तो मेरी मैं तो बहुत गरीब और तू जी ठीक ओ पानी की ना फोटो ले और ट्विटर पर डाल दी एप्लीकेशन तो वहां पिछली पंचायत में पिछले साल उन्हें अपना अपना रेजिडेंस पैकेज दिया कोई नाजायज कब्जा नहीं रहा जी कहा या वाह तो ऐसी रदे की दीवा लेकिन हम मांग ये जहां इस जोड़ की खुदाई होनी चाहिए और हमारा पानी का इंतजाम होना चाहिए जो कर हमारा पानी आवा यहाँ पे सीएम साहब से हाथ जोड़ के विनती है हमारा मसला हल होना चाहिए। हमारे गांव में मंगोली जटान में जो सार्वजनिक जो होड़ है जी यहाँ पर नजायज कब्जा हुआ है, इससे घरों में पानी बढ़ गया है, सबके वापसी शाम बढ़ गए हैं, निकासी नहीं है, कहीं भी इससे बीमारी फैली है गांव में, सभी को खतरा है, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को खतरा है, निजाज कब्जा है दिन पर दिन, हर रोज यहां से यहां पर लोग कब्जा कर रहे हैं, मट्टी गिर रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, बैठ के बना रहे हैं, इससे सभी गाँव को दिक्कत है। कृपया करके आपसे गुहार है और आज हमने ट्विटर पर डाल लिया सीएम जी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस पे कार्रवाई की जाए। खबरनामा हरियाणा के लिए बाबैंड से राजेश शर्मा, राकेश शर्मा की रिपोर्ट।